एवरीबॉडी, आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्शन 1 ऑफ यूनिट 2 क्लास 7 लिविंग इंग्लिश बुक एंड द टाइटल ऑफ दिस स्टोरी इज द इनएक्सपीरियंस्ड घोस्ट। मतलब एक अनुभवहीन घोस्ट, एक ऐसा भूत जिसमें कि एक्सपीरियंस की कमी है, अनुभव की कमी है। अब ये जो स्टोरी है उसे अडेप्ट किया गया है, उसे लिया गया है एक नॉवल से जिसका नाम है द स्टोरी ऑफ द इनएक्सपीरियंस्ड घोस्ट, और इसे लिखा है H.G. Wells ने। इस कहानी में अ मैन नैरेट्स हिज इनकाउंटर विद अ घोस्ट। इस कहानी में जो इंसान है वो अपनी मुलाकात बताता है कि घोस्ट के साथ हुई थी, और उस कहानी को वो सुना रहा है इस स्टोरी में। रीड ऑन टू फाइंड आउट वॉट ही एक्सपीरियंसेस। अभी हम पढ़कर पता करेंगे कि आखिर क्या क्या एक्सपीरियंसेस उसे हुए उस भूत से मुलाकात के दौरान। अभी यहाँ कहा जा रहा है कि वी मेट द सैटरडे एट द क्लब, क्लेटन हैड स्लेप्ट देयर ओवरनाइट। वो कहता है कि हम सैटरडे को इसी क्लब पे मिले थे, क्लेटन वहाँ पिछली रात सोया था। क्लेटन कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कल सारी रात अलोन था, अकेला था, और मुझे एक घोस्ट भी मिला। आई कॉट अ घोस्ट। फर्दर इट सेज, कॉट अ घोस्ट, तुम्हें भूत मिला, क्या तुमने पकड़ा भी उसे? सेड सैंडरसन, वेयर इज इट। तो सैंडरसन कहता है कि आखिर वो है कहाँ, और इवांस भी चिल्लाता है कि एक बात बताओ मुझे अभी के अभी। आई डोंट थिंक इट विल कम अगेन। वो कहता है कि मुझे ये लगता नहीं कि दोबारा आएगा। क्लेटन फिर से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा यहाँ पर आने वाला है। यू मीन यू डोंट कीप इट, इसका मतलब कि तुमने उसे पकड़ कर नहीं रखा? आस्क सैंडरसन। सैंडरसन जो तीसरा बंदा है वो कहता है कि क्या तुम्हारा ये मतलब कि तुमने उसे पकड़ा नहीं? वी लाफ्ड, हम सभी हंस पड़े, और क्लेटन लुक्ड ऑफेंडेड, और शायद क्लेटन थोड़ा झेंप गया। इट रियली वॉज अ घोस्ट, वो कहता है अपनी बात को जोर देते हुए कि वो सच में एक घोस्ट था, मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम नॉट जोकिंग। यू टॉक टू इट, आस्क विश। विश पूछता है उसे क्या तुमने उससे बातें भी की? तो उसका जवाब था कि हाँ, एक घंटे तक मैंने उसे देखा, लॉन्ग पैसेज में मैंने उसे देखा। वो एक ट्रांसपेरेंट सा दिखने वाला, और उसके चेस्ट से मुझे खिड़की से रोशनी बिल्कुल आती हुई दिखाई दे रही थी। ही लुक्ड एज दो ही डिडंट नो व्हाट ही वाज मीन टू डू। मैंने उसे देखा तो, लेकिन ये समझ नहीं पाया कि वो क्या करना चाह रहा है। ही वॉज लीन, वो पतला दुबला था। ही हैड अ स्मॉल हेड विथ अ स्क्रबी हेयर, छोटा सा सिर, छोटे छोटे बाल, और नैरो शोल्डर्स, बिल्कुल पतला दुबला कंधा। उसके जो जैकेट थे वो काफ़ी फॉर्मल थे, टर्न डाउन कॉलर, उसके जो कॉलर्स थे वो काफ़ी फॉर्मल थे, और जो ट्राउज़र थे वो फ्रेड एट द हील्स, मतलब नीचे की तरफ उसमें धागे निकले हुए थे। आई सॉ हिम एज आई केम अप, जब मैं ऊपर आया तो मैंने उसे देखा। आई स्टॉप्ड डेड एट दैट, मैं उसे देख कर ही बिल्कुल ठहर सा गया, रुक सा गया, टेकिंग हिम इन, उसे देखते ही। आई वॉजंट अ बिट अफ्रेड, मैं थोड़ा भी घबराया नहीं। आई वॉज सरप्राइज एंड इंटरेस्टेड, मैं तो उसमें सरप्राइज था, उसे देख कर मैं सरप्राइज था, और उसमें काफ़ी इंटरेस्टेड भी था। आई सपोज ही रियलाइज आई वॉज देयर, और मुझे लगता है कि शायद उसने भी ये जान लिया था कि मैं वहाँ पर हूँ। वो मुड़ता है, एंड आई सॉ द फेस ऑफ अ यंग मैन, और मैंने एक यंग मैन के चेहरे को देखा। हम दोनों साथ में खड़े रहे, एक दूसरे को रिगार्ड्स दिया, मतलब एक दूसरे को रेस्पेक्ट भी दिया। देन ही टर्न राउंड, फिर वो गोल घूम रहा था, ड्रू हिमसेल्फ अप, उसने खुद को कुछ करने की कोशिश की। रेज्ड हिज आर्म, अपने हाथ उठाए, केम टुवर्ड्स मी, मेरी तरफ आया। हिज लिटिल जॉ ड्रॉप्ड एंड ही एमिटेड अ फेंट ड्रॉन आउट बू, और उसने थोड़ा बुझे हुए तरीके से मुझे चौंकाने की कोशिश की। आई वॉजंट फ्राइटेंड, बू आई सेड, नॉनसेंस, यू डोंट बिलोंग हियर, व्हाट आर यू डूइंग। तो मैं, जब वो बार बार मुझे डराने की कोशिश कर रहा था तो मैं डर नहीं रहा था, मैंने उससे इतना ही कहा कि तुम ये क्या हरकतें कर रहे हो यहाँ पर, व्हाट आर यू डूइंग। ही मूव्ड अ लिटिल एंड सेड आई एम अ घोस्ट, वो मुड़ता है और कहता है कि मैं एक भूत हूँ। देन कन्फ्यूज्ड एंड ऑकवर्ड आई एम हॉन्टिंग ही सेड, और फिर थोड़ा कन्फ्यूज और थोड़ा अटपटे तरीके से वो बोलता है कि और मैं थोड़ा कन्फ्यूज भी हूँ, आई एम हॉन्टिंग, मैं डरावना भी हूँ। और शायद जब वो ऐसा कह रहा है तो उस वक्त वो थोड़ा कन्फ्यूज है। इट मे बी बट यू कांट हॉन्ट हियर,
मैंने उसे कहा कि तुम डरावने हो सकते हो, लेकिन तुम यहाँ पर किसी को डरा नहीं सकते। दिस इज़ अ क्लब, ये क्लब है। पीपल ऑफन स्टे हियर विथ चिल्ड्रन। लोग अक्सर यहाँ पर अपने बच्चों के साथ ठहरते हैं। सम वो लिटिल चाइल्ड कुड बी स्केयर्ड आउट ऑफ इट्स। हो सकता है कोई छोटा बच्चा तुम्हारे इन तौर तरीकों से डर जाए। आई सपोज यू डोंट थिंक ऑफ दैट। और मुझे लगता है कि तुमने शायद इस बारे में नहीं सोचा होगा। नो सर, ही सेड आई डिडंट। वो कहता है कि नहीं, मैंने इस बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। कमिंग हियर वॉज अ मिस्टेक। आई सेड इन अ टोन ऑफ फ्रेंडली सुपीरियोरिटी, इफ आई वर यू आई वुड वैनिश राइट अवे। मैंने उससे कहा कि यहाँ आना तुम्हारी गलती है, और थोड़ा मैंने उसे फ्रेंडली तरीके से, हालांकि सुपीरियर खुद को साबित करते हुए कहा कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं अभी तक यहाँ से वैनिश कर गया होता, गायब हो चुका होता। ही लुक्ड एम्बैरस्ड। अब शायद उसे अपनी गलती का अंदाज़ा हो चुका था। द फैक्ट इज सर दैट सम हाउ आई कांट। और वो कहता है कि सर दरअसल बात ये है कि मैं गायब हो नहीं पा रहा। यू कांट, क्या तुम गायब नहीं हो पा रहे? लेकिन कहता है नो सर आई हैव बिन हियर सिंस मिडनाइट। मैं पिछली मध्यरात्रि से ही यहाँ पर अटका पड़ा हूँ। देयर इज सम लिटिल थिंग दैट हैज स्लिप्ड मी एंड आई कांट गेट बैक। कुछ चीज़ है जो शायद मैं भूल गया हूँ और जिस कारण से मैं वापस नहीं जा पा रहा। फर्दर ही सेज कम इन टू माई रूम एंड टेल मी मोर अबाउट। मैंने उस घोस्ट को कहा कि तुम चलो मेरे साथ मेरे कमरे में और मुझे बाकी बातें बताओ। आई सेड एंड आई ट्राई टू टेक हिम बाय द आर्म। और मैंने कोशिश की कि मैं उसको उसके हाथ को पकड़ कर उसके साथ जा सकूं। बट ऑफ़ कोर्स यू माइट एज वेल हैव ट्राई टू टेक होल्ड ऑफ अ पफ और स्मोक। लेकिन और मुझे लगता है, मतलब क्लेटन यहाँ पर अपने दोस्तों को बता रहा है कि मैंने उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तुम लोग भी जानते हो कि जब धुएं को पकड़ा जाए तो वो पकड़ में नहीं आता। सो दैट वॉज लाइक द घोस्ट। क्लेटन कहता है अपने फ्रेंड्स को हियर वी आर आई सेड एंड सैट डाउन। मैं उसको अपने कमरे में ले गया और मैंने कहा कि ये रहा मेरा कमरा, और मैं बैठ गया इन द चेयर इन माई रूम। मैं अपने उस कुर्सी पर बैठ गया अपने कमरे में। सिट डाउन एंड टेल मी ऑल अबाउट इट। मैंने उसे कहा कि तुम मुझे खुलकर सब सारी बातें बताओ। ही सेड ही वुड प्रेफर टू फ्लिट अप एंड डाउन द रूम इफ इट वॉज ऑल द सेम टू मी। वो कहता है कि ही वुड प्रेफर टू फ्लिट अप। वो कहता है कि ही वुड प्रेफर टू फ्लिट अप एंड डाउन द रूम इफ इट वॉज ऑल द सेम टू मी। वो मुझे कहता है कि वो फ्लिट अप करना चाहता है। फ्लिट अप मतलब झूलना चाहता है, वो झूलने की कोशिश करना चाहता है उस कमरे में। देयर ही वॉज सेमी ट्रांसपेरेंट नॉइजलेस एक्सेप्ट फॉर हिज घोस्ट ऑफ अ वॉइस। अब मैंने भी सोचा कि वो भला क्या भी कर सकता है इसके अलावा, बेचारा सेमी ट्रांसपेरेंट जिसके आर पार देखा जा सके, मतलब उसकी हर एक्टिविटी को समझा जा सके। नॉइजलेस शांत सा था बिल्कुल। हाँ, हालांकि उसका जो वॉइस था वो घोस्ट का था, लेकिन इसके अलावा कुछ खतरनाक था नहीं। फ्लिटिंग थ्रू एंड फ्रो इन दैट नाइस क्लीन ओल्ड बेडरूम। वो उस पुराने से रूम में, साफ सुथरे लेकिन पुराने रूम में, वो फ्लिटिंग मतलब बार बार झूलने की कोशिश कर रहा था। टू एंड फ्रो, आगे पीछे झूलने की कोशिश, शायद वो कुछ करतब करने की कोशिश कर रहा था। You could see the gleam of the copper candlesticks through him, and there he was telling me all about his life that he had recently ended on earth. Clayton कहता है अपने फ्रेंड्स को कि वो उस घोस्ट के आर पार रखा हुआ एक कैंडलस्टिक देख पा रहा था, और जो भूत है वो उसे अपनी प्रीवियस कहानी, जब अभी अभी उसका डेथ हुआ है अर्थ पे, तो वो अपनी वो कहानी अपने लाइफ के बारे में बता रहा है। And where are you now? I asked. Norton, मैंने उससे पूछा कि और अब तुम कहाँ रहते हो? Norton, मतलब क्या तुम अर्थ में तो नहीं रहते होगे? He was not clear at all. वो बिल्कुल साफ नहीं था, वो साफ कुछ बोल नहीं पा रहा था। Wherever he was, the same to think haunting a tremendous adventure. शायद जहाँ कहीं भी वो रहता, वहाँ पर शायद haunting को एक adventure माना जाता, मतलब लोगों को डराना एक adventure माना जाता। And so he had come. और शायद वो इसलिए यहाँ पर आया भी होगा। The mess he had made of haunting had saddened him terribly. अब यहाँ बात हो रही है कि जो डराने का जो भयानक भूल उसने किया था, वो उसके कारण वो थोड़ा अपसेट था। He had expected it to be fun. उसने तो इसे एक फन महसूस किया होगा कि शायद डराने में उसे मज़ा आएगा। I got up briskly. मतलब मैं तेज़ी से उठ बैठा। Don't brood on these things too much. मैंने उसे कहा कि इन चीज़ों पर ज़्यादा झूलने की झुकने की कोशिश मत करो, या इन चीज़ों की ज़्यादा कोशिश मत करो। आई सेड यू वुड गॉट टू पुल योर सेल्फ टुगेदर एंड ट्राई हिट इट।
मैंने उसे कहा कि तुम्हें खुद को कोशिश करनी चाहिए, यू योरसेल्फ टुगेदर एंड ट्राई ही डिड। और उसने कोशिश किया भी वहाँ से जाने का। अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ जेस्चर्स एंड मूवमेंट्स विद द हैंड्स, उसने काफ़ी कुछ करतब करने की कोशिश की अपने हैंड्स मूवमेंट्स के साथ। दैट्स हाउ ही हैड कम इन एंड दैट्स हाउ ही हैड टू गेट आउट अगेन। शायद इसी तरीके से वो यहाँ पर आया था और इन्हीं जेस्चर्स को फॉलो करके वो यहाँ से शायद जा भी पाता। आफ्टर अ फियरफुल टाइम ही गॉट हिज मूवमेंट्स राइट एंड सडनली डिसअपीयर्ड। और कई एक बार कोशिश करने के बाद वो एकाएक गायब हो जाता है। इट वॉज ट्रिमेंडस, देयर वी वर दिस थिन घोस्ट एंड आई इन दैट साइलेंट रूम इन दिस क्लब। उस क्लब में सिर्फ उस शांत कमरे में मैं और वो घोस्ट सिर्फ हम दोनों ही थे। नॉट अ साउंड एक्सेप्ट आवर वॉइस, और हमारी आवाज़ के अलावा किसी तीसरे की आवाज़ या कोई आहट नहीं। देयर वॉज वन कैंडल ऑन द ड्रेसिंग टेबल अ लाइट, एक कैंडल थी जो जल रही थी ड्रेसिंग टेबल पे। दैट वॉज ऑल। आई कांट, ही सेड, वो कहता है कि मैं गायब नहीं हो पा रहा। आई शैल नेवर, और शायद मैं कभी गायब हो भी ना पाऊँ। एंड सडनली ही सैट डाउन एट द फुट ऑफ द बेड एंड बिगिन टू सॉब, वो निराश होकर पलंग के बिल्कुल बगल में बैठकर रोने लगता है, सॉब सुबकना शुरू कर देता है। यू हैव टू पुल योरसेल्फ टुगेदर, मैंने उससे कहा कि तुम्हें कोशिश करनी ही होगी। आई सेड टू हिम एंड ट्राई एंड टू इनकरेज हिम आई बिगिन टू ट्राई एज वेल, और मैंने उसको इनकरेज करने के लिए उसके जेस्चर्स मैंने खुद भी करना शुरू कर दिया। एट लास्ट ही डिड इट, और अंत में वो सफल भी हुआ। आई नो, ही सेड, व्हाट डू यू डू नाउ, मैंने उससे कहा कि अब तुम क्या कर रहे हो। आई नो, ही रिपीटेड, मैं जान गया हूँ, मुझे आ गया। देन ही सेड पीविशली, आई कांट डू इफ़ यू लुक एट मी, और वो फिर मुझे थोड़ा हिचकिचाहट के साथ कहता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा अगर तुम मेरी तरफ देखोगे। आई रियली कांट, आई एम अ नर्वस फेलो, वो जो घोस्ट है वही कहता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं एक नर्वस इंसान हूँ, मैं एक नर्वस फेलो हूँ। वेल, वी हैड अ बिट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, हमारे बीच थोड़ी बातचीत हुई, थोड़ा बहस भी हुआ। नेचुरली आई वॉन्टेड टू सी, बट ही वॉज एन ऑब्स्टिनेट एज अ म्यूल, और वो बिल्कुल डम, बिल्कुल वो बेवकूफ़ सा जिद्दी सा इंसान था जो मुझे नहीं चाहता था कि मैं उसके जेस्चर्स को देखूँ, मैं उसे गायब होता हुआ देखूँ। ऑल राइट, आई सेड, आई वॉन्ट लुक एट यू एंड यू टर्न टूवर्ड्स द मिरर बाई द बेड, मैंने कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी तरफ नहीं देखूँगा, और मैं शीशे की तरफ मुड़ गया। ही स्टार्टेड ऑफ वेरी फास्ट, राउंड वेंट हिज आर्म्स एंड हिज हैंड्स, एंड देन विद अ रश केम द लास्ट जेस्चर ऑफ ऑल। यू स्टैंड इरेक्ट एंड ओपन आउट योर आर्म्स एंड ही स्टूड एंड देन ही डिडंट, अभी वो एक पल में यहाँ था और फिर उसने कुछ मूवमेंट्स दिखाए अपने हाथ के और फिर वो वहाँ से गायब हो गया। आई व्हील्ड राउंड फ्रॉम द लुकिंग ग्लास टू हिम, और मैं उस शीशे से बिल्कुल पलट कर उसे देखने की कोशिश की। देयर वॉज नथिंग, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। आई वॉज अलोन, मैं अकेला ही था। व्हाट हैड हैपेंड, आखिर हुआ क्या था। हैड आई बीन ड्रीमिंग, क्या मैं सपने देख रहा था। एंड देन द क्लॉक अपॉन द लैंडिंग स्ट्रक वन, और जो घड़ी थी उसमें एक बजते हैं, पिंग, एंड देन यू वेंट टू बेड, आस्क इवंस। अभी क्लैटन अपनी पूरी कहानी सुना रहा है, इसी बीच इवांस उसे बीच में टोकता है, और शायद तब तुम सोने चले गए। व्हाट एल्स वॉज देयर टू डू, मैंने भी कहा, मतलब क्लैटन कहता है कि तो और कुछ करने को था भी नहीं। सैंडरसन कहता है, और फिर वो मूवमेंट्स, आई बिलीव आई कुड डू देम नाउ, तो क्लैटन कहता है कि मुझे लगता है कि मैं उन्हें अभी भी करके दिखा सकता हूँ। व्हाई डोंट यू डू देम नाउ, सेड सैंडरसन। सैंडरसन कहता है कि ठीक है तुम उन्हें करके दिखाओ। दैट्स वॉट आई एम गोइंग टू डू, सेड क्लैटन। क्लैटन कहता है कि ठीक है मैं वो करने की कोशिश करता हूँ। यू नो आई वुड रादर यू डिडंट, विश कहता है कि मैं तो चाहता हूँ कि तुम ये नहीं करो तो अच्छा है। देन क्लैटन सेड, यू आर अ वेरी गुड लायर। क्लैटन, मैंने कहा कि तुम एक बहुत झूठे इंसान हो। दैट डिसअपीयरेंस हैपेंड टू बी कन्विंसिंग, जो गायब होना था वो समझ के परे है। तुम गायब होकर जो दिखाओगे मुझे वो समझ में कुछ आना चाहिए। क्लैटन स्टूड अप, क्लैटन खड़ा हो गया। फॉर अ मोमेंट ही रिगार्डेड हिज फीट, ही रेज्ड हिज टू हैंड्स स्लोली एंड स्माइल्ड एट अस ऑल, वो अपने दोनों हाथ, वो ही रेज्ड हिज टू हैंड्स, अपने दोनों हाथ उठाए, हमारी तरफ स्माइल करता है। बट आई थिंक देयर वॉज जस्ट अ लिटिल हेजिटेशन इन हिज स्माइल, लेकिन मुझे लगता है कि उसके उस स्माइल में भी हल्की हिचकिचाहट थी, हल्का हेजिटेशन था। इफ़ आई बिगिन, ही सेड, आई वुडंट बिगिन, सेड विश। विश कहता है कि मैं ये कोशिश नहीं करने वाला।
आई वुडंट बिगिन, सेड विश. विश कहता है कि मैं ये करने की कोशिश नहीं करने वाला. इट्स ऑल राइट, ये ठीक है. सेड इवेंस, इवेंस कहता है कि चलो ठीक है. दिस शॉट इज़ नॉट गोइंग टू स्नैच क्लेटन टू वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस. इससे क्लेटन इस दुनिया से गायब भी नहीं होने वाला अंधेरे में. विश स्टूड अप एंड पुट हिज आर्म ऑन क्लेटन्स शोल्डर. विश उठता है और क्लेटन के कंधे पर अपना हाथ रखता है. यू मेड मी बिलीव दैट स्टोरी समहाउ एंड आई डोंट वॉन्ट टू सी द थिंग डन. क्लेटन के कंधे पर हाथ रखते हुए विश उसे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि देखो तुमने पहले कहानी तो सुना दी मुझे, मैंने सुन भी लिया, लेकिन अब मैं तुम्हें गायब होते हुए या फिर तुम्हें अब ये बेमतलब की चीज़ें करते हुए देखते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता. आई डोंट वॉन्ट टू सी द थिंग्स डन. गुडनेस, सेड आई, विश इज फ्राइटेंड. मैंने कहा कि लगता है कि विश डर चुका है. आई एम, सेड विश. विश कहता है कि मैं सच में डर चुका हूँ. आई बिलीव दैट इफ ही गोज थ्रू दीज मोशंस हिल गो. आई एम, सेड विश. विश कहता है कि मैं सच में डर चुका हूँ. मुझे लगता है कि अगर वो इस तरीके से करेगा तो ही विल गो, मतलब वो सच में चला जाएगा. ही विल गो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, ही विल गो मैड. ही विल डू नथिंग ऑफ द शॉर्ट, आई क्राइड. मैंने कहा कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा. क्लेटन स्माइल्ड बैक एट हिम. क्लेटन उसकी तरफ दोबारा हंसता है. विश इज राइट एंड द अदर्स आर रॉन्ग. वो कहता है कि क्या विश, क्या जो राइट है और जो अदर्स वो रॉन्ग है. विश जो कह रहा है वो वही सही है क्या. आई शैल गो, आई शैल गेट टू द एंड एंड एज द लास्ट स्विश विस्टीज थ्रू द एयर द रूम विल बी वैकेंट. वो कहता है कि थोड़ी ही देर में जैसे कि स्विफ्ट विसल होगा, थोड़ा सा सिटी बजने की हल्की सी आहट सी मिलेगी तुम्हें और पूरा रूम का रूम खाली हो जाएगा. यू विल बी अमेज्ड एंड यंग जेंटलमैन विल जंप इन टू द वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस. आई एम सर्टिन लेट द थिंग्स बी ट्राइड. मैंने कहा कि मैं, मुझे पूरा विश्वास है, तो इसे बस कोशिश करने दो और हो सकता है कि फिर रूम में एक इंसान जो है वो इस कमरे से निकल करके अंधेरे की दुनिया में चला जाए, मतलब क्लेटन जो है वो कोशिश करते करते शायद यहाँ से गायब हो जाए. फर्दर इट सेज, नो, सेड विश एंड स्टॉप. क्लेटन रेज हिज हैंड्स वंस मोर टू रिपीट द घोस्ट्स मूवमेंट. तो विश उसे कहता है कि नहीं रुको. क्लेटन अपना जैसे ही दोनों हाथ उठाता है तो वो कहता है कि तुम रुको, तुम ये एक्शंस मत करो प्लीज. बाय दैट टाइम वी वर ऑल टेंस्ड. इस वक्त हम सभी टेंशन में आ चुके थे विश के कारण. वी सैट विथ आवर आईज ऑन क्लेटन. हम क्लेटन की तरफ देख रहे थे. क्लेटन बोर्ड एंड स्वेड एंड वेव्ड हिज हैंड्स एंड आर्म्स बिफोर अस. और क्लेटन हमारे सामने वही जेस्चर्स फॉलो कर रहा था, झुकने की, गायब होने की कोशिश वो कर रहा था. द लास्ट जेस्चर वॉज टू स्विंग द आर्म आउट, आर्म्स आउट वाइड ओपन विद अ फेस हेल्ड अप. और जो आखिरी कोशिश थी कि वो अपने दोनों हाथ खुले रख करके, सिर ऊपर रख करके गोल घूमेगा. एंड व्हेन एट लास्ट ही स्वंग आउट टू हिज क्लोजिंग गेस्ट जेस्चर आई सीज्ड इवन टू ब्रेथ. और जब वो अपने लास्ट मूवमेंट पे था तो मैंने बिल्कुल सांस रोक लिया अपना. इट वॉज रिडिक्यूलस, ये काफ़ी अजीब था. ऑफकोर्स बट यू नो दैट घोस्ट स्टोरी फीलिंग. आपको पता है वो घोस्ट स्टोरी वाली फीलिंग जो होती है, मतलब सब कुछ काफ़ी सरप्राइजिंग ही होता है. इट वॉज आफ्टर डिनर. अब ये रात का वक्त था. इन एन ओल्ड हाउस वुड ही आफ्टर ऑल. तो कहता है कि जो कहानी जो हुई थी उसके साथ वो तो डिनर के बाद रात के वक्त हुई थी, तो इस वक्त तो ये पॉसिबल नहीं है. देयर ही स्टूड फॉर वन मोमेंट विथ हिज आर्म्स ओपन एंड हिज फेस ब्राइट. वी वेटेड एज इफ इट वर एन एज एंड देन केम फ्रॉम ऑल ऑफ अस समथिंग दैट वाज हाफ अ साइ एंड रिलीफ एंड हाफ अ रीअश्योरिंग. नो, फॉर विजिबली ही वॉजंट गोइंग. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल ऐसा जैसे कि वो काफ़ी लंबे समय से ऐसे खड़ा हो, मतलब जेस्चर्स को ऐसे बनाकर खड़ा था. और देन केम फ्रॉम ऑल ऑफ अस, और फिर हम सभी के बीच कुछ ऐसा होता है दैट वाज हाफ अ साई ऑफ रिलीफ, मतलब थोड़ा हम सबको उससे राहत मिला, मतलब वो गायब नहीं हुआ था. नो, फॉर विजिबली ही वाजंट गोइंग, वो कहीं नहीं जा रहा था. इट वाज ऑल नॉनसेंस, वो सब बेकार की बातें थी. ही हैड टोल्ड अ स्टोरी दैट वाज ऑल. ये उसने एक कहानी सुनाई थी और सब कुछ बस इतना ही था. एंड देन एंड द स्टोरी इज अब्रिज्ड एंड अडॉप्टेड फ्रॉम अ स्टोरी बाय H.G. Wells. मतलब यहाँ हम देख रहे हैं कि विश जो है वो क्लेटन की कहानी सुनते सुनते डर चुका था और वो उसे इन जेस्चर्स को करके दोबारा करने की कोशिश के से मना कर रहा था कि कहीं क्लेटन भी गायब ना हो जाए. नैरेटर H.G. Wells खुद हैं और क्लेटन
ये कहानी सुना रहा है उसके साथ, मतलब कहानी सुनाने वाले एचिवल्स खुद हैं, और क्लेटन वो कैरेक्टर है जिसके साथ उस भूत की मुलाकात हुई थी, उस इनएक्सपीरियंस्ड भूत की मुलाकात हुई थी। एंड फर्दर विश, एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, वो इस कहानी में काफ़ी इंटरेस्ट लेता है और क्लेटन को गायब होने से मना करता है। सो इस लंबी सी कहानी का समरी इतना ही। आने वाले वीडियोस में हम पढ़ेंगे और कुछ स्टोरीज़ के बारे में। टिल देन थैंक्स एंड गुड बाय।